नमस्कार साथियों, मेरे सभी युवा युवती प्रेमी युगल नव दंपति तथा जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं उन सभी का तहे दिल से हमारे इस चैनल आपके इस चैनल श्रीवास्तव वर्ल्ड में स्वागत है, जहां हम प्यार एक पवित्र ग्रंथ की तरह है उसकी प्रस्तुति कर रहे हैं। और इस पूरी बातों को समझने के लिए आपको मेरे वीडियो को जहाँ से मैं शुरू किया हूँ वहाँ से देखना पड़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, तब तो आप हमारी सारी बातों को समझ सकते हैं। हेलो, वेलकम टू ऑल द यूथ लवर्स, न्यूली कपल एंड द मैरिड कपल्स। हेयर All of you are welcoming in your channel Srivastava World. We can discuss here, we can hit here, we can penetrate here about the love, how forms love passing, so that it gets the last destination. For this, all of you have to see the beginning of my video, then you have understand better what I'm trying to saying or what's our motto to be that. तो इस पार्ट में हम सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ ना, ये किसी व्यक्ति विशेष की है ना समुदाय की है, यह एक जनरल क्रम है जो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ला रहा हूँ। तो किसी को भी अपने पर्सनली इसको नहीं लेना है, बस एक साधारण सी चर्चा है जिसे मैं अपने वीडियो के माध्यम से क्रम बाय क्रम आप तक पहुंचा रहा हूं। आज मैं युक्तियों की बात करूंगा। जो मोस्टली जितनी भी युक्तियां हैं उन सबका जो फेवरेट कलर होता है वो आप गौर कीजिएगा कि पिंक होगा, रेड होगा, वाइट होगा, ब्लू होगा, येलो होगा, ब्लैक होगा, लाइट ब्लू होगा और ग्रीन होगा। तो जो पिंक होते हैं, पिंक जो है यूनिवर्सल कलर है। आप पूरे वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो युवतियाँ या महिलाएं जो है वो ज़्यादातर पिंक कलर को मानती हैं, और पिंक कलर जो है वो हॉट टट्टी कलर है और ये कपल्स को एक रोमांटिक माहौल प्रदान करता है। पिंक कलर की जो भी युवतियाँ होंगी उनके अंदर ईगो होगा, उनके टीनेजर्स टाइम से ही बहुत सारे लड़के जो हैं वो शूटर्स के रूप में उनके लाइफ में एंट्री करते हैं, बट ये एक ऐसे पार्टनर को चुनना पसंद करते हैं जो इनको समझे, क्योंकि इनको समझना थोड़ा टफ होती है, जो इनको समझे और इनके साथ कदम से कदम मिला करके चले। अब बात करते हैं रेड की। जिनका भी फेवरेट कलर रेड होता है वो थोड़े गुस्सेल स्वभाव के होते हैं और अपना ओन जो अपने सिद्धांत पे ये चलना पसंद करते हैं। मूड स्विंग भी इनका अलग अलग टाइप का होता है। अब बात करते हैं वाइट की। जिन भी युवतियों का कलर वाइट कलर फेवरेट कलर होगा उनको अपने परिवार में कम ही लाड़ प्यार मिला होगा अपने पेरेंट्स से, रेदर देन द अदर सिबलिंग। इनको प्यार जो है अपने गार्जियन से औरों संतान के मुकाबले कम मिलता है, इसलिए ये जो बिल्कुल शांत और सच्चे होते हैं उनको ये पूरी तरह डेडिकेट करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि जिस किसी को भी प्रथम रूप में चुनते हैं वो उनको धोखा दे जाता है। इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, ये फिर उठकर खड़े होते हैं, लड़ते हैं और लड़ना जानते हैं। सेम सिचुएशन तो ब्लू कलर जो हो गए उसमें भी, जो मैंने वाइट कलर के बारे में बताया वही होगा। येल्लो बड़ा शांत प्रकृति के होते हैं, ये रोमांस प्यार इन सब पर बहुत विश्वास करते हैं और ये मोस्टली लव मैरिज ही करना पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लैक की। ब्लैक कलर जो है वो ईगो का दर्शाता है, वो अपने आप में ब्लैक कलर जो है वो कलर ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको कलर तो उनका फेवरेट हट्टी कुछ और होगा लेकिन
जब कभी उनको ये नहीं दिखाया जाता कि ये नहीं आता है कि कौन सा पहनूँ, कौन सा कपड़ा मैं अपने वार्डरोब से निकालूँ और पहन के जाऊँ, तो वो मोस्टली या तो वो बहुत सुखी होते हैं या तो बहुत दुखी होते हैं। आइदर दे विल हैप्पी और आइदर दे विल बी द सैड, मोस्टली चूज द ब्लैक कलर। ओके, नाउ द लाइट ब्लू। लाइट ब्लू वेरी काम, ये बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं और अपने पार्टनर को ये जब एक बार चुन लेते हैं तो पूरी तरह से उनको समर्पित कर देते हैं। फिर ये किसी और को बारे में न देखते हैं, न किसी और के बारे में सोचते हैं, न इनके दिमाग में किसी तरह का और कुछ आता है। ग्रीन, ग्रीन कलर जो है वो मोस्टली बहुत सारे प्यार में पड़ते हैं। ये किसी एक के साथ ठोकर के नहीं रह सकते, ये बहुत सारे लड़कों को अपने जीवन में एंट्री देने का प्रभाव करते हैं। ये चूजन प्रकृति के होते हैं, जबकि चुनने की जो प्रवृत्ति होती है बहुत, या तो हम लोग उसको निर्जीव चीज होता है उसमें करते हैं। चूजन ऑप्शन मस्ट बी इन आइदर इन द नॉन लिविंग थिंग्स और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट। लव इज नॉट आर्टिफिशियल, इट्स नेचुरल बिकॉज इट्स कम फ्रॉम योर हार्ट। That's why don't be in this phase. Chudan option is very worst phase, so avoid it. अब मैं बात करूँगा कि जो प्रेमी शुरू शुरू में आप किसी लड़के को पसंद करते हैं, फिर धीरे धीरे नज़दीक के आती हैं, तो जो घंटों आपसे फ़ोन पर बात करते हैं वो आपको किसी भी कीमत पर पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बात करते करते वो आपके हर एक चीज़ को समझ चुके होते हैं। इस स्थिति में उनकी जो प्रायोरिटी होती है कि आप ही के साथ जीना है और आप ही के साथ मरना है। अब बात आती है कि जो पैसा को प्रीफर करते हैं या अपने पार्टनर से अधिक पैसे खर्च करवाते हैं, उनका जो रेशियो होगा वो 50-50 होगा। लाइक ए टेंगी ट्विस्ट, जो अपने स्टेटस और फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। वो दूसरे की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। आप अपने पार्टनर के अपेक्षा वो दूसरे के बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे के बातों को ही बातों पर वो बहते हैं। वन हु इम्फेसिस इन स्टेटस और फैमिली, दिस टाइप ऑफ पर्सन और मेंटालिटी मोस्टली इन्फ्लुएंसर नेचर। दे क्विकली इन्फ्लुएंस बाई अदर वॉइस रेदर देन द पार्टनर, दैट्स द बिग प्रॉब्लम। जो बार बार फोन करके आपसे पूछते हैं कहाँ हो और क्या कर रहे हो, उनका ये मोटो नहीं होता है कि हाँ मैं आपके बारे में जानूँ। ये मोस्टली जो है वो आपके ऊपर ओवररूल्ड समझते हैं। जहाँ पे मस्तिष्क और हृदय का इसीलिए मैं पिछले वीडियो में भी कहा था सुरोज ने कि माइंड फॉर ऑल बट हार्ट फॉर स्पेसिफिक वन। तो जहाँ प्यार में माइंड और हार्ट दोनों मिलेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, आपका जो हार्ट है, आपका जो माइंड है ओवररूल्ड करेगा आपके हार्ट पे, आपका जो मस्तिष्क है वो आपके हार्ट पे कब्जा करेगा और फिर आपको अलग अलग दिशाओं में भटकाएगा, जिससे आप क्या अच्छा और क्या बुरा है, अच्छा को भी बुरा आप समझेंगे और जो बुरे हैं उसको भी अच्छा समझेंगे। जिनमें ईगो प्रायोरिटी होती है, जो अपना एक वजूद चाहते हैं, इस टाइप की लड़कियां, इस टाइप के पार्टनर जो है वो मोस्टली प्रेफर करते हैं कि अपना खुद का एक वजूद हो, जिस कारण से इनके रिश्तों में तालमेल नहीं बैठ पाता है और पास होने के बाद भी ये प्यार को ढूंढते हैं और दूसरों में देखते हैं तथा
एक दिली तमन्ना भी रखते हैं। अब है कि जिस भी लड़की की पेरेंट्स नहीं होंगे तो या तो वो अंडर गार्जियनशिप ऑफ भाइया और भाभी, और आइदर इन गार्जियनशिप अंडर गार्जियनशिप ऑफ सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ, या तो जीजा जी या तो बहन की गार्जियनशिप में होंगे। इस तरह की जो लड़कियां होती हैं वो कहने को तो प्यार कर लेती हैं और दिखाती हैं कि मैं बहुत सच्चा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। लेकिन जो उनके ये दोनों गार्जियन होते हैं, चाहे भैया भाभी हो या फिर बहन और जीजा जी हो, ये प्रिफर नहीं करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि शादी जो है वो अपने ही परिवार और सगे संबंधियों में करवा दिया जाए, इस चीज़ को वह ज़्यादा प्रिफर करते हैं। फिर मैं एक बार कहूँगा कि ये एक अपना सर्वे है, लेकिन अगर आप विशेष रूप से अभी हमने जितनी भी बातें बताई हैं, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो बताया वो पूरा 100% होगा और सब पे लागू होगा। अगर आप विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो सिर्फ अपने पार्टनर का फ़ोटो, उसका नाम और उसका फेवरेट कलर ये बताएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ होगी जो 99.99% जो है वो सटीक होगा। और हमें उम्मीद है कि आप सब जुड़ेंगे और धीरे धीरे अपने आस पास के अपने जान पहचान वाले लोगों को भी ये चैनल को सब्सक्राइब करके और इस चीज़ पर अपना योगदान देंगे। मुझे सबके सुझाव का इंतज़ार है। क्योंकि आज इतने साल के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि न तो प्यार को लीगली महत्व मिला है, न सामाजिक महत्व मिला है और न इसको प्रायोरिटी दिया जा रहा है। क्यों? अरेंज मैरिज को अगर हम बेटर कहते हैं तो आज के डेट में आप जा कर के कोर्ट में देखिए, सबसे ज़्यादा जो डाइवोर्स का केस जो फाइल है वो अरेंज मैरिज का ही है, रेदर देन लव मैरिज। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो लव मैरिज में होता है क्या एक्चुअली रिश्ता डिस्कनेक्ट करना है, वो अपने रास्ते चले जाते हैं, दूसरे अपने रास्ते चले जाते हैं, जिस वजह से यह हाईलाइटेड नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि अरेंज मैरिज का डाइवोर्स रेशियो जो है वो ज़्यादा है। तो प्यार जैसे पवित्र चीज़ पर बोलना इतना आसान नहीं है, इसके बाद यह एक समुंदर है और समुंदर की गहराई कितनी होगी ये नहीं जान सकता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टिल येट नाइदर साइंस नॉर नेचर विल बी द प्रोवाइड एनी इक्विपमेंट्स विद द हेल्प ऑफ वी कैन मेजर द लव। ना तो हमें प्रकृति ने ना हमें वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई यंत्र बनाया है जिससे यह मापा जा सके कि प्यार है भी तो कितना है। क्यों? ये दिल से निकलती है और दिल ही इसको महसूस कर सकता है। अगले वीडियो में मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर बॉयज़ के बारे में बताऊंगा। तो फिर अभी मैं आप सबों से अलविदा करता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं फिर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर एक बता रहा हूँ, 8987200915। इस पर अपना सुझाव, अपनी समस्या लिख सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने लव रेशियो को कहाँ तक जाएगा उस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे। और इस वीडियो को आप लाइक करें, और समझने के लिए शुरुआत से मेरे वीडियो को देखना होगा, तब आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अलविदा, फिर मिलते हैं अगले क्रम में। लव यू ऑल, लव इज़ ग्रेट, लव इज़ पियस, एपिक लाइक द गीता। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज़।